दोस्तों, इजिप्ट एक रहस्यों से भरा देश है और ये रहस्य इसके ओरिजिन, रिलीजन और इसकी मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर से घिरे हुए हैं। इतने समय के बाद आज भी बहुत से राज हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं या जिन्हें हम सुलझा नहीं पाए हैं। प्राचीन दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खोजें अभी भी इजिप्ट की रेत में ढकी हुई है जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों से रूबरू कराएंगे, तो तैयार हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम इजिप्ट में कुछ ऐसे अनसुलझे राज जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। नंबर एक, पंट की खोई हुई भूमि। प्राचीन इजिप्ट के लेखन में पंट नामक स्थान का उल्लेखन मिलता है। ये सोने, हाथी के दांत और विदेशी जानवर से भरे एक प्राचीन अफ्रीकी साम्राज्य था जिसने इजिप्ट के लोगों की इमेजिनेशन को एक्साइट किया। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये साम्राज्य काफी शक्तिशाली था। ये एक ऐसी जगह थी जो इजिप्ट के सम्मान का कारण बनी, एक ऐसी भूमि जिसे उन्होंने भगवान की भूमि यानी गॉड्स लैंड कहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पंट एग्जिस्ट करता था। प्राचीन ग्रंथों में इसके अनगिनत उल्लेख मिलते हैं। यहाँ तक कि मिस्र के एक प्राचीन मंदिर में पंट की रानी की एक तस्वीर भी है। लेकिन ये स्थान कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रहा होगा, इसके वजूद हमें कभी नहीं मिले हैं। हमारे पास पंट के एकमात्र निशान मिस्र वासियों द्वारा संभाले एक आर्टिफैक्ट्स हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए बेताब है कि ये राज्य है कहाँ। उन्होंने दो बबून के ममिफाइड रिमेन्स का अध्ययन किया जो मिस्र वासियों को पंट से मिले थे और ये निर्धारित किया कि बबून कम से कम आधुनिक समय के एरिट्रिया और ईस्टर्न यूथोपिया के क्षेत्र से आए थे। ये कम से कम हमें पंट को खोजने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। लेकिन ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्च के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और अगर हमें कभी पंट के किंगडम के रोइंस मिलते हैं तो ये हमारे अतीत को उजागर करने के लिए रहस्यों की एक होल न्यू सीरीज खोल देगा। नंबर दो, रानी नेफ्रिटी का गायब होना। रानी नेफ्रिटी मिस्र पर शासन करने वाली कुछ महिलाओं में से एक होने के लिए फेमस हैं। वो फराहो अखेनातेन की पत्नी थी। पॉसिबली फिरौन को तुतनखामून की माँ कहा जाता है। कहते हैं कि उसने इजिप्ट पर अधिकार किया था और अपने तरीके से शासन किया था। और फिर अब जब अन्य फिरौन की कब्रें आज भी मिस्र के ऊपर बनी हुई हैं, किसी को भी नेफ्रिटी का फाइनल रेस्टिंग प्लेस नहीं मिला है। उसकी कब्र की खोज वर्षों से चली आ रही है। 2018 तक आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग यकीन हो गया था कि उन्हें किंग टूट के मकबरे में छिपे एक सीक्रेट चैम्बर में उसका दफन स्थान मिलेगा। मई में हालांकि उन्होंने सावधानी पूर्वक दीवार को स्कैन किया और पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। मजे की बात यह है कि मिस्र के इतिहास में भी उनकी मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। उसके पति अखेनातेन के शासन के लगभग 12वें वर्ष के बाद उसके सभी उल्लेख पूरी तरह से बंद हो गए। डॉक्टर जोएसी टेटसेले के अनुसार एक्सप्लेनेशन सिंपल है। हम नहीं जानते कि नेफ्रिटी को क्या हुआ क्योंकि वो किसी व्यक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। नंबर तीन, द डिस्ट्रॉयड पिरामिड, जरेफे का पिरामिड। मिस्र के किसी भी पिरामिड का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। जडेफरे ने इस बात को पूरा किया। उसके पास सबसे बड़ा पिरामिड बनाने के लिए रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उसने सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा काम किया कि उसके मकबरे का सिरा हर किसी की तुलना में थोड़ा लंबा हो। वैसे भी उसने उसे एक पहाड़ी पे बनाया था, हालांकि किसी कारण से, जबकि मिस्र के अन्य सभी पिरामिड हजारों वर्षों के बाद भी खड़े हैं, अकेले जडेफरे का पिरामिड पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जो कुछ बचा है वो बेस है। कोई भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि उसे क्या हुआ, लेकिन थ्योरीज हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जडेफरे की मौत हो जाने से पहले ही वो इस पर बहुत कम काम कर पाए थे और इसलिए उनका पिरामिड खंडर में रह गया था। और फिर भी अन्य लोग सोचते हैं कि मिस्र के लोग वास्तव में जडेफरे से नफरत करते थे, इतनी ज्यादा कि वे एक पूरे पिरामिड को अलग करने के लिए तैयार थे। नंबर चार, द डेंड्रालाइट। इजिप्ट के डेंड्रा में एक मंदिर की दीवार पर एक बहुत ही अजीबोगरीब इमेज दिखाते हुए एक बड़ी रोशनी है। यूजुअल इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये दिखता है कि आगे के एक बड़े गोले में एक सांप कमल के फूल से उड़ता है, जबकि एक पिलर द्वारा मानव भुजाओं के साथ पकड़ा जाता है। ये एक अजीब तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि स्तंभ में हथियार हैं। ये बिल्कुल क्रुक्स ट्यूब के एक मॉडल की तरह दिखता है, एक तरह का अर्ली लाइट बल्ब जिसका आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। वास्तव में ये एक क्रुक्स ट्यूब की तरह दिखता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक डायग्राम हो सकता है जो दिखता है कि कैसे एक क्रुक्स ट्यूब बनाना है। आर्कियोलॉजिस्ट को रिमेन्स मिले हैं जो दिखाते हैं कि अर्ली मिस्र के लोगों ने इमारत के हर दूसरे हिस्से में दिए जलाए थे। सिवाय इसके तो अगर उनके पास यहाँ आर्काइव्ड एक प्रकाश बल्ब का अर्ली वर्जन नहीं था तो उन्होंने कुछ भी कैसे देखा, और अगर कमरा गहरा काला था तो उन्होंने दीवार पर इतनी जटिल छवि लगाने की जहमत क्यों उठाई। नंबर पाँच, द मम्मी रैप्ड इन अ फॉरेन बुक। 1848 में एक व्यक्ति ने अलेक्जेंड्रा में एक एंशियंट इजिप्शियन मम्मी खरीदा।
सालों तक उन्होंने एक डेकोरेशन के रूप में डिस्प्ले किया। ये महसूस नहीं किया कि उन्हें कितना अजीब आर्टिफैक्ट मिला है। हालांकि कुछ दशकों बाद उसकी पट्टियों को छिलने के बाद वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही अनयूजुअल पाया। मम्मी को लाइन इन पेजेस ऑफ अ बुक में लपेटा गया था और ये मिस्र में नहीं लिखा गया था। ये पता लगाने में बहुत से साल लग गए कि कौन सी भाषा थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि एक एट्रोस्कैन में लिखा गया है, एक एंशियंट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है जो कि मॉडर्न डे इटली में रहती थी। ये एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इस मम्मी के चारों ओर लपटे शब्द का अब तक का लॉन्गेस्ट एट्रोस्कैन टेक्स्ट बनाते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न बिना जवाब के हैं। एक बार के लिए हम अभी भी नहीं जानते कि पाठ क्या कहता है। हम केवल कुछ शब्दों को समझ सकते हैं जो तिथियां और देवताओं के नाम प्रतीत होते हैं, और उससे आगे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है या कोई इसे मृत शरीर के चारों ओर क्यों लपेटेगा। सबसे बढ़कर हमें कोई जानकारी नहीं है मिस्र में एक मम्मी के चारों ओर एक एक्स्ट्रा स्कैन किताब क्यों लपेटी गई थी। क्या वो एट्रस्कैन थी? यदि हाँ तो वो मिस्र में क्या कर रही थी और उसने दुनिया को अपने लास्ट मैसेज में क्या बोला? आपके इन सवालों पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, मिस्र की खोई हुई भूल भुलैया। 2500 साल पहले मिस्र में एक काफी बड़ी भूल भुलैया थी जो इसे देखने वालों के शब्दों में पिरामिड से भी ज्यादा अच्छी थी। ये एक मैसिव बिल्डिंग थी जो 2 मंजिला थी। इसके अंदर अनबिलीवेबल 3000 अलग अलग कमरे थे। सभी एक वाइंडिंग मेज के माध्यम से इतने कॉम्प्लेक्स थे कि कोई भी गाइड के बिना अपना रास्ता नहीं खोज सकता था, जो राज्यों के लिए एक टॉम के रूप में कार्य करता था। और टॉप पर एक बड़े पत्थर से बनी एक बड़ी छत थी। अनगिनत एंशियंट राइटर्स ने इसे पहली बार देखा है, लेकिन 2500 साल बाद आज भी श्योर नहीं है कि आखिर ये है क्या। सबसे नजदीकी चीज जो हमने पाई है वो एक विशाल 300 मीटर चौड़ा पत्थर का पठार है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये कभी भूल भुलैया की नींव थी। 2008 में जियोरडार स्पेशलिस्ट की एक टीम ने पठार को स्कैन किया और पाया कि नीचे एक अंडरग्राउंड भूल भुलैया है, जैसा कि एक प्राचीन लेखकों ने डिस्क्राइब किया है। हालांकि अभी तक किसी ने भी खुदाई या अंदर कदम नहीं रखा है। जब तक कोई ऐसे भूल भुलैया में पैर नहीं रखता, हम निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि क्या हमें वास्तव में मिस्र का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल वंडर मिला है। नंबर 7, महान पिरामिड का छिपा हुआ चैम्बर। सबसे बड़ा पिरामिड 4500 साल पहले पराहो खुफू के लिए बनाया गया था। ये लगभग 150 मीटर लंबी विशाल संरचना है जिसे 2.3 बिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। और फिर भी कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि इसके अंदर केवल 3 चेंबर हैं। एक टीम ने नवंबर 2017 में पिरामिड को स्कैन करके देखा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। निश्चित रूप से पिरामिड की ग्रेट गैलरी के ऊपर उन्हें संकेत मिले कि पूरे पिरामिड में सबसे बड़ा कमरा छिपा हो सकता है। अजीब बात यह है कि मिस्र ने जानबूझकर छिपे हुए चैम्बर को बनाया था। इससे कोई कॉरिडोर या रास्ता नहीं जुड़ा है, लेकिन वहाँ जो कुछ भी है, फिरौन खूफ जाहिर तौर पर नहीं चाहता था कि वो कभी दिन का उजाला देखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।